अलवर दौसा जिले में चल रही बस चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसों को चला रहे हैं। बसों के अंदर जगह कम पड़ने पर यात्रियों को छत पर बैठाया जा रहा है, ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। लेकिन इस मामले में परिवहन विभाग मौन होकर किसी बड़े हादसे का होने का इंतजार कर रहा है, जिससे बस चालक मनमर्जी से सवारियों को ढो रहे हैं। अलवर दौसा जिले की सीमा से चलने वाली रोडवेज बसों की दुर्दशा बिगड़ी हुई है, जिसमें सवार यात्रियों को हादसे का शिकार होने का भय बना रहता है। साथ ही बस के अंदर असीमित यात्रियों के चलते एक दूसरे यात्रियों को सांस लेने तक की भी समस्या बनी रहती है, जिससे यात्रियों को दुखद रूप से सफर करना पड़ रहा है। ये नजारे थानागाजी से गोलाकाबाज होते हुए मुख्य मार्गों से दौसा सड़क मार्ग सफर के हैं। बस में यात्रियों के भरे होने के बावजूद पता नहीं क्यों कंडक्टर और बस चालक यात्रियों की जान को जोखिम में डालने से भी कम नहीं चूक रहे। बस के अंदर जगह नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को बसों के ऊपर लादा जा रहा है। यह नजारा खासकर दौसा डिपो, रोडवेज बस स्टैंडों के रूटों पर देखा जा सकता है।